Hello everyone, again welcome to our Booster Nursing Career Point. This side Arvind Kumar. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी. ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एकेडमिक क्लासेस के अंदर और आपके कंपटीशन क्लासेस के अंदर, दोनों क्लासेस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं. तो इसी आज इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा अपने साथ में और इस टॉपिक को लर्न करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी. तो जैसे कि आपको स्लाइड पर दिख रहा है, हम एक डायग्राम लेके आए हैं एंटीजन का और दूसरा डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया गया है एंटीबॉडी का. दोनों की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के अंदर. तो सबसे पहले एंटीजन्स क्या होते हैं. एंटीजन्स वो सबस्टेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है. उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एंटीजन्स. तो एंटीजन्स कोई फॉरेन पार्टिकल्स हो सकता है, वो हमारी बॉडी में जाएगा और जाके क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी उसके रेस्पॉन्स में इम्यूनिटी का फॉर्मेशन करेगी, उसको हम बोलते हैं एंटीजन्स. दूसरा एंटीबॉडी. एंटीबॉडी क्या होते हैं. एंटीबॉडी आर स्पेशलाइज्ड बाईशेप्ड प्रोटीन. क्या है ये, एक बाईशेप्ड की प्रोटीन होती है ये, जो प्रोड्यूस होती है प्राइमरली प्लाज्मा सेल से. किससे, इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, प्लाज्मा सेल से होता है. तो एंटीबॉडीज ये किसके रेस्पॉन्स में बनती हैं, ये एंटीजन के रेस्पॉन्स में बनती हैं, ये आपको ध्यान रखना है. तो एंटीबॉडी एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसके रेस्पॉन्स में बनेंगे, जब हमारी बॉडी में क्या जाएगा, एंटीजन जाएगा, उसके रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज को बनाएगी. और एंटीबॉडीज का शेप कैसा होता है, बाई शेप का होता है. और कहाँ से इनका फॉर्मेशन होता है, तो आपको याद रखना है इनका फॉर्मेशन कहाँ से होगा, प्लाज्मा सेल से होता है. तो गाइज ये था हमारा बेसिक सा डेफिनेशन. इसके बाद हम चलते हैं इस पे, डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज. तो वन बाय वन हम सारे डिफरेंसेस इसके अंदर देखेंगे. सबसे पहले हम देखने वाले हैं पहला डिफरेंस, एंटीजन्स इज एनी सबस्टेंस दैट ट्रिगर एन इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स इन दी बॉडी. एंटीजन्स ऐसे सबस्टेंस हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, जबकि एंटीबॉडी इज अ ब्लड प्रोटीन. क्या है एंटीबॉडीज, ब्लड प्रोटीन होती है जो प्रोड्यूस होती है अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन. कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी जो इम्यून प्रोड्यूस करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं. चलिए एंटीजन का यहाँ पर दूसरा नाम भी दिया गया है, इट इज आल्सो कॉल्ड इम्यूनोजेंस. एंटीजन्स को किस नाम से जानते हैं, इम्यूनोजेंस के नाम से जानते हैं, जबकि एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं. थर्ड है, कैन बी आइदर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड और न्यूक्लिक एसिड. मतलब जो आपके एंटीजन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर की बात हो रही है, किसके बने होते हैं ये मे बी कार्बोहाइड्रेट के हो सकते हैं, लिपिड्स के हो सकते हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड के होते हैं. जबकि जो प्रोटीन्स होती हैं, यानी हम बोलते हैं एंटीबॉडीज जो होती है, वो ओनली और ओनली ग्लाइको प्रोटीन्स की बनी हुई रहती है. किसकी, ग्लाइको प्रोटीन की बनी हुई रहती है. नेक्स्ट डिफरेंस है, इंट्रैक्टिंग डोमेन विद एंटीबॉडी इज कॉल्ड एपिटोज. इंट्रैक्टिंग डोमेन, ऐसा डोमेन जो एंटीबॉडी के साथ क्या कर रहा है, इंट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिटोज बोलते हैं. इसमें क्या है, वेरिएबल साइट कैन बाइंड टू एपिटोज. एंटीबॉडीज के पास बहुत सारी साइट होती है, मल्टीपल साइट होती है, जहां पर आके एंटीजन अटैच होता है उसी साइट को हम बोलते हैं एपिटोज. क्या बोलते हैं, एपिटोज बोला जाता है. नेक्स्ट डिफरेंस है, कॉज आइदर डिजीज और एलर्जिक रिएक्शन. जो हमारा एंटीजन है वो क्या करेगा, कोई डिजीज कर सकता है और हमारे अंदर कोई भी रिएक्शन कर सकता है, जबकि एंटीबॉडी प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एंटीजन आइदर बाय इमोबिलाइजिंग द एंटीजन और लाइजिंग द पैथोजेंस. ये जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करेंगी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, या तो वो एंटीजन को इमोबिलाइज कर देंगी वहां से, आइदर उसको लाइजिंग कर देंगी वहां से, उसका ब्रेक डाउन भी कर सकती हैं. तो ये सारे के सारे डिफरेंस हैं. नेक्स्ट है क्या, एंटीजन्स, इसके फोर टाइप्स होते हैं. एंटीजन्स के फोर टाइप्स होते हैं, ये तो एग्जोजीनस भी हो सकते हैं, एंडोजीनस भी हो सकते हैं, ऑटो एंटीजन्स भी हो सकते हैं और नियो एंटीजन्स भी हो सकते हैं.
चार टाइप के एंटीजन हैं आपके, एक्सोजीनस ऐसा सब्सटेंस जो फॉरेन पार्टिकल से बाहर से आया हुआ है और हमारी बॉडी में एंटर हो गया है, एंडोजीनस हमारी बॉडी के ही अंदर ही फॉर्म हुआ है, ऑटो एंटीजन्स, ऑटो एंटीजन्स जैसे कि आपने पढ़ी होंगी बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज वो क्या करती हैं, ऑटो एंटीजन्स को प्रोडक्ट करती हैं, और नियो एंटीजन्स होते हैं कैंसर सेल्स, नियो मीन्स होता है कैंसर और एंटीजन्स मीन्स कोई फॉरेन पार्टिकल्स, तो ऐसी सेल्स जो कैंसर सेल में रैपिडली डिवीजन हो रही है उनको हम बोलते हैं नियो एंटीजन्स। तो ये क्या हैं, चार टाइप के एंटीजन्स होते हैं, जबकि एंटीबॉडीज कितने टाइप की होती हैं, फाइव टाइप्स की होती हैं, IgM, IgG, IgE, IgD एंड IgA, इनको हम वन बाई वन देखेंगे। तो ये हमारा बेसिक सा डिफरेंस था एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट अपना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडीज। हम वन बाई वन सभी एंटीबॉडीज को देखने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे एंटीबॉडीज की क्या है। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज नोन एज इम्यूनोग्लोबिन, एंटीबॉडीज को हम किस नाम से जानते हैं, इम्यूनोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ये एक टाइप की प्रोटीन होती है और जो प्रोड्यूस होती है प्लाज्मा सेल से, हमारे इम्यून सिस्टम से प्लाज्मा सेल्स होती हैं वो इसका फॉर्म करने का काम करती हैं, इन द रेस्पॉन्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन द बॉडी। जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो उसके रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी स्टिमुलेट होगी और हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगी, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगी। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, ये एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये क्या है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ये बाई शेप में होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आपको ये जो साइट आपको दिख रही है ऊपर, ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पर एंटीजन आके अटैच हो जाते हैं, यहाँ पर एंटीजन अटैच हो जाते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ये आपको दिख रही है, ये लाइट चेन है और ये इसमें क्या है, हैवी चेन, जो ब्लू कलर की है वो कैसी चेन है, हैवी चेन है। ये चेन सभी एंटीबॉडी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ नोट भी किया है नीचे, एवरी एंटीबॉडी हैज टू हैवी चेन, सभी एंटीबॉडीज के पास दो हैवी चेन होती हैं जिसका वेट होता है 50,000 किलो डाल्टन, एंड दो लाइट चेन होती हैं, दो हैवी चेन होंगी और दो लाइट चेन होंगी। हैवी चेन 50 किलो डाल्टन की होंगी, 50,000 की, और यहाँ पर ये होंगी 25,000 डाल्टन की। बोथ चेन आर कनेक्टेड बाई डाई सल्फाइड बॉन्ड, दोनों चेन जो होती हैं किससे कनेक्टेड रहती हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहती हैं। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंटीबॉडीज बाई शेप्ड, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये बाई शेप्ड की प्रोटीन होती है और जो प्रोड्यूस होती है किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के रेस्पॉन्स में। फंक्शन क्या क्या होते हैं इनके, द मेन फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू रिकॉग्नाइज एंड न्यूट्रलाइज द एंटीजन, ये सबसे बड़ा फंक्शन है एंटीबॉडीज का कि वो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी फॉरेन पार्टिकल सेंटर हुआ उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगी और उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। नेक्स्ट, दे कैन एक्टिवेट अदर कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम के अदर कंपोनेंट को भी एक्टिवेट कर देती है। कितने टाइप होते हैं इसके, जब मैं पीछे बता चुका हूँ, ये आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी एंड आईजीई, गैम डे के नाम से हम इसको याद कर सकते हैं, ये पांच टाइप होते हैं, इनको हम वन बाई वन देखेंगे। आईजीजी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इम्यूनोग्लोबुलिन गामा के बारे में। इम्यूनोग्लोबुलिन गामा के बारे में पहला क्वेश्चन यही बनता है आपका कि ऐसी एंटीबॉडीज का नाम बताइए जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है। तो सबसे पहले आप आंसर दे सकते हैं आईजीजी, एंटीबॉडीज दैट क्रॉस द प्लेसेंटा। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन ब्लड, ये सबसे ज्यादा ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटीबॉडी, या हम बोल सकते हैं मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। कब प्रोड्यूस होती है, इन द रेस्पॉन्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, जब हमारी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है तो उसके रेस्पॉन्स में ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। इसके भी चार टाइप होते हैं, चार टाइप होते हैं इसके, गामा वन, गामा टू, गामा थ्री एंड गामा फोर, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा वन टू थ्री फोर, इसमें से दो आपको याद रखने, बाकी सब भूल जाइएगा। गामा टू हैज द लीस्ट चांस ऑफ क्रॉसिंग द प्लेसेंट बैरियर, G2 ऐसी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, इसमें से G1, G3 एंड G4 तीनों टाइप की एंटीबॉडी
प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है, लेकिन G2 ऐसी टाइप की एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती है। G4 के बारे में सुन लीजिए। G4 इट इज द रिलेटेड टू डिजीज। जब कोई बीमारी होती है तो ये उससे जुड़ी रहती है। दिस डिजीज लीड्स टू फाइब्रोसिस, और ये बीमारी क्या कर सकती है, फाइब्रोसिस कर सकती है। क्लियर गाइज? तो IgG के बारे में जो भी आपसे क्वेश्चन बने तो यहाँ पर ध्यान रखना है। IgG मोस्ट अबंडेंट टाइप की एंटीबॉडीज होती है, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके जाती है और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के अंदर इसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो ये सारे 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर वो आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी एंटीबॉडी है IgA। दूसरी एंटीबॉडी है IgA। IgA सेकेंड हाइएस्ट सीरम इम्यूनोग्लोबिन, सेकेंड हाइएस्ट सीरम इम्यूनोग्लोबिन। सबसे पहले तो IgG देखने को मिलेगी, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगी IgA। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन म्यूकस मेम्ब्रेन पैथोजेंस। म्यूकस मेम्ब्रेन के जो पैथोजेंस होते हैं उनके लिए सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है IgA। और नेक्स्ट, इट इज मेजर सीक्रेटरी एंटीबॉडी। ये सीक्रेटरी एंटीबॉडीज होती है, हमारी बॉडी के बहुत सारे सीक्रेशन में प्रेजेंट रहती है, जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क में, टीयर्स में, स्वेटिंग में, सलाइवा में, गैस्ट्रिक कंटेंट में, बहुत सारे सीक्रेशन में प्रेजेंट रहती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सीक्रेटरी एंटीबॉडीज। किस नाम से जानी जाती है ये? सीक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से जानी जाती है, एंटीबॉडी सीक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इट न्यूट्रलाइज द वायरस एंड टॉक्सिन्स। ये वायरस और टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। स्ट्रक्चर आपको इसका दिख रहा होगा IgA का। नेक्स्ट एंटीबॉडी है IgM। IgM के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। सबसे पहली चीज, इसका स्ट्रक्चर है पेंटामेरिक, जैसे कि आपको दिख रहा होगा पेंटा 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 स्ट्रक्चर इससे अटैच है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। मैक्सिमम मॉलिकुलर वेट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मॉलिकुलर वेट किसका होता है, तो आपको याद रखना है IgM का होता है। आइडियली 10 बट प्रैक्टिकली 5 to 6 एंटीजन आर गोइंग टू बाइंड। ये 5 से, प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो 5 से 6 एंटीजन इससे इजिली बाइंड हो सकते हैं। मैक्सिमम एंटीजन बाइंडिंग साइट, सबसे ज्यादा एंटीजन को बाइंड कर करके रख सकती है ये। रेस्पॉन्स इन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन। IgG तो क्रॉनिक में काम करती है और ये एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर काम करती है। इट डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। नेक्स्ट है IgD। IgD स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू IgG, इसका स्ट्रक्चर IgG के जैसा ही होता है। इसका दूसरा नाम सरफेस एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। सीरम कंसेंट्रेशन कितनी है इसकी? 30 माइक्रोग्राम पर ml होती है और हाफ लाइफ 3 डेज होती है। इट कैन एक्टिवेट अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करने का काम करती है। तो ये IgD है। और लास्ट एंटीबॉडी है IgE। लीस्ट कंसेंट्रेशन, सबसे कम देखने को मिलेगी अपने ब्लड में। होमोसाइटोट्रॉफिक एंटीबॉडीज के नाम से भी इसको जानते हैं, रीजेनिक एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस ये चीज याद रखिएगा, इट इंक्रीज इन एलर्जिक एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। जब एलर्जिक रेस्पॉन्स होता है, एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए कौन सी एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल है? आंसर करेंगे IgE, जो कि सब लोग इसको जानते हैं अच्छे से। स्ट्रक्चर आपको इसका दिख रहा है। तो ये क्लास थी, मैंने बहुत जल्दी इसको कवर करने की कोशिश किया, छोटा सा टॉपिक था और जल्दी से मैंने इसको बताने की कोशिश की है, क्योंकि आपका टाइम मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता, आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको डिलीवर करना चाहता हूँ। तो गाइज, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा, एंड शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू क्लास।